हेलो क्लास 11th, कैसे हो बेटा आप सभी। हाँ जी पता है मुझे, मैं गायब थी थोड़े दिन से। तुम्हें वैसे आवाज़ सुन के लग ही रहा होगा, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी। ठीक है, तो अभी भी ठीक नहीं है, पर चलो खैर कोई नहीं, थोड़ा सा आराम है तो कोशिश करते हैं बनाने की। हाँ जी बिल्कुल, वेलकम टू एडू टीच। तो बेटा हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6 था, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया था। ठीक है, एंड आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पढ़ना है जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जाइलम बेटा, जाइलम जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, तो वो क्या है, एक कंडक्टिंग सिस्टम है। वो क्या कंडक्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब पहली बात मेरे को बताओ, वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे जी? सॉइल से मिलेंगे। तो वो क्या करेगा, रूट से लेके और कहाँ को दे देगा, स्टेम्स लीव्स को दे देगा। अब कौन एब्जॉर्ब करेगा भाई वाटर मिनरल्स? ठीक है, रूट्स ही तो करेंगी ना। ठीक है, तो जाइलम बेसिकली कहाँ मिलेगा हमें, रूट्स में मिलेगा ना, और पूरा स्टेम्स लीव्स तक मिलेगा, है ना, रूट से शुरू होके। ठीक है, तो ये क्या करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू दी प्लांट्स। क्लियर है? तो जाइलम का काम क्या है, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करना। ठीक है, अब जो हमारा जाइलम है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है भाई, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब एक बात देखो बेटा, जो ये चार कंपोनेंट्स हैं, जो चार एलिमेंट्स हैं जो जाइलम को बनाते हैं, ठीक है, इनमें से जो वेसल्स है ना बेटा, वो हमारी वेसल्स जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं ना हमारे, उनमें नहीं होती, उनमें एब्सेंट होते हैं। जो वेसल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं हमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, चलो अब देखते हैं। अब जो ट्रैकिड्स हैं बेटा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एलोंगेटेड ट्यूब्स होती हैं, लंबी लंबी ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, लंबी लंबी ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। प्लीज़ अपनी बुक पास में रख लो, नहीं है तो डायग्राम्स वहाँ बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ट्रैकिड्स क्या हैं हमारी, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल सेल वॉल्स हैं इनकी। ठीक है, लिग्निन से बनी हुई हैं, बहुत मोटी वॉल्स हैं, टेपरिंग एंड्स हैं इनके ऊपर से, एंड ये डेड सेल्स होती हैं। अब डेड हैं तो प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा, नो प्रोटोप्लाज्म, डेड सेल्स, टेपरिंग एंड्स, थिक लिग्निफाइड वॉल्स, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, वेसल्स क्या है हमारी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक सेल्स हैं, ये भी लिग्निफाइड हैं। इनमें बहुत सारी सेंट्रल कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज इज प्रेजेंट। देखो अभी तक यहाँ और यहाँ के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, यहाँ भी कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, लेकिन जो वेसल्स होती है ना, इनके अंदर बहुत सारी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, यहाँ नहीं होती हैं। ठीक है, एंड वेसल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे की सेल से, कैसे, बाय वॉल परफोरेशंस, इंटरकनेक्टेड बाय वॉल परफोरेशन, प्लाज्मोडेस्मेटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जाइलम फाइबर्स, ये हाईली थिक वॉल्स होती हैं, इनके अंदर वही कैविटी प्रेजेंट होती है, ये सेप्टेट एसेप्टेट दोनों तरीके की हो सकती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं, बहुत पतली वॉल होती है, अभी तक सारों की थिक वॉल थी। ठीक है, यहाँ भी कैविटी थी, यहाँ भी कैविटी थी। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो यहाँ पे लिग्निफाइड थी सेल वॉल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलुलोज की बनी हुई है। और पैरेन्काइमा का काम क्या है, बेसिकली स्टोर करना फूड का, स्टार्च का, फैट, लेनिन्स, यानी हर तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए हैं, उनको स्टोर करके कौन रखता है, पैरेन्काइमा करके रखता है, जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर है जी? ठीक है, आप भी ऐसे ही फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जो जाइलम होता है बेटा, वो दो तरीके से हम बोल सकते हैं, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम, जो पहले बनेगा वो प्राइमरी जाइलम, इसी तरीके से प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम जो प्राइमरी जाइलम में जो पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम। अब एंडार्च कौन होते हैं और एक्सार्च क्या होता है, एंडार्च का मतलब होता है जब जो प्रोटोजाइलम हो वो तो अंदर हो और मेटाजाइलम बाहर हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा एंडार्च, और एक्सार्च इसका उल्टा, जब प्रोटो बाहर हो और मेटा अंदर हो तो वो होता है हमारा एक्सार्च। एक्सार्च किस में देखने को मिलता है, रूट्स में, और एंडार्च जाइलम कहाँ देखने को मिलता है, स्टैम्स में। क्लियर है? एंडार्च इन स्टैम्स, एक्सार्च इन रूट्स,
एंडार्च का मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम तो अंदर है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर है, और इसका उल्टा होगा एक्सार्च में, क्लियर है। ऐसे ही हमारे जो है फ्लोएम होते हैं, ठीक है। अब फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट करना फूड के, फूड मटेरियल, फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब फूड कहाँ बनता है भाई, कहाँ बनता है फूड, लीव्स में बनता है, तो लीव्स से सारे प्लांट दूसरे अदर पार्ट्स में भेजना किसका काम है, फ्लोएम का काम है। अब जो फ्लोएम है बेटा वो किन चीज़ों से, चार एलिमेंट से मिलके बना है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना उनमें कोई कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होता, ये प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब जो सीव ट्यूब होते हैं और जो कंपेनियन सेल होते हैं ना, वो भाई ये लगा लो ये भाई भाई हैं, ये बिल्कुल साथ में रहते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब का काम कंपेनियन सेल के बिना नहीं चल सकता, कंपेनियन सेल का काम सीव ट्यूब के बिना नहीं चल सकता, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय पिट्स, ठीक है, बाय पिट्स, ठीक है। तो जो सीव ट्यूब होती हैं वो हमारी लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स के साथ प्रेजेंट होती हैं, एंड वॉल्स जो इनकी वो परफोरेटेड होती हैं, उभरी हुई होती हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, फंक्शन। अब देखो जो सीव ट्यूब्स होते हैं उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो इनका फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा भाई, इनका फंक्शन कंट्रोल करेंगे कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा हमारे सीव ट्यूब का फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। क्या है, सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कंपेनियन सेल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, इनकी एंड वॉल्स परफोरेटेड होती हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, एक लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस नहीं होता तो इनका फंक्शन कौन करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है, ठीक है। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय पिट्स। फिर आ जाओ फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स को ब्लास्ट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली डेड होते हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, तुम्हारी रोप्स वगैरह बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इनमें जो है एब्सेंट होते हैं ये प्राइमरी फ्लोएम में, ये प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम फाइबर सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में, यानी जो बाद में बनेगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, इनका एपेक्स पॉइंटेड होता है, थिक वॉल होती है, और मेच्योरिटी पे ये अपना साइटोप्लाज्म लूज कर देते हैं, यानी डेड हो जाते हैं, क्लियर है जी, ठीक है। और फ्लोएम जो पैरेन्काइमा है हमारे, उनके एलोंगेटेड टेपरिंग एंड होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी हुई है, सेल वॉल पे पिट्स प्रेजेंट हैं, किसके लिए, कनेक्शन के लिए, और ये स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमा का काम भाई स्टोरेज का ही होता है, तो ये भी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे फूड, रेजिन, लेटेक्स, और ये जो पैरेन्काइमा होता है वो एब्सेंट होता है इन मोनोकोट्स, क्लियर है, क्लियर है। ऐसे ही आप भी शॉर्ट फॉर्म में जो है टिश्यू पे नोट्स बना सकते हो अपना, ठीक है, क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे सॉल्व आप। चलो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है अभी उसका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, टिश्यूज हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।